इनडायरेक्टली मेरी बेगम नु मज बनाना चाहना नहीं मेरी बेगम ही सेहत यो जी है पर मज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। और नए आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अभी आपको अंदाज़ा हो रहा था कि हम कहीं निकलने वाले हैं, तो ये हम आगे जाके आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो है अचानक ही हमें जाना पड़ रहा है भिम्बर, तो वहाँ पे रास्ते के जो भी सीन्स होंगे वो दिखाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं, शाहजी, फिज़ा और हमारे साथ जाएंगी नुदरत, अतीका को हम लेंगे भिम्बर उसके घर से, और साथ हमारे जा रही है मेरी छोटी भाभी की सिस्टर नीलम। तो जब हम निकलेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे, और रास्ते में जो कुछ सीन्स होंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलें फिर चलते हैं भिम्बर के लिए। ये देखें जी व्यूवर्स, ये नुदरत है जी। हम अतीका के घर पहुँच आए हैं, जस्ट अभी अभी आए हैं। ये तीका की बैठी हुई है जी पोती, और ये है फिज़ा हमारी। ये देखिए, ये देखिए फिज़ा क्या कर रही है, फिज़ा आपको क्या करके दिखा रही है। ये हैं जी ये हैं काशिफ भाई, इन्होंने तो बहुत सारा जो है वो तकल्लुफ़ किया हुआ है। हमने तीका को कॉल की थी कि हम आपके घर आ रहे हैं, कहती है चाय पी के जाना, हमने कहा नहीं हम चाय नहीं पी के जाएंगे, लेट हो रहे होंगे, तो हम जो है वो इसी तरह से ही निकल जाएंगे। तो इस वजह से बता के जब आए थे तो उसने पहले से इतना इंतज़ाम किया हुआ है हमारे आने पे। तो चलें अब यहाँ बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, तो फिर निकलेंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं उधर जाने के लिए। ये देखें ये शाहजी हैं, देखें हादसा हो रहे हैं, वाशरूम से होके हैं, फ्रेश होके हैं। तो अभी हम पहुंच आए हैं तीका के घर, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, एकदम से मौसम चेंज हुआ है। क्या ख्याल है भाभी के पकौड़े? आप तो ऐसे खा रहे हैं जैसे भूखे होके आए हैं घर से। नहीं नाश्ता करके आए हैं ना। मैं अभी पकौड़े को चक्की मारी, अभी मैं पानी पीऊंगा। फिजा ने भी पानी पीना है, फिजा को भी पानी दे जी। तीका को बताने का ये मकसद तो बिल्कुल भी नहीं था कि इतना तकल्लुफ करे हमारे लिए। ये फिज़ा पानी पी रही है जी। फिज़ा गर्मी थी जी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी जी। ठीक, हमारा को क्या दे रहे हो? ये काशिफ भाई ले आए हैं चाय, ये जी हमारा। चाचू क्या कर रहे हैं हमारा के हैं? चाय दे रहे हैं। आपने नहीं जाना दादू के साथ? क्यों? गाड़ी ठीक हो, चाचू के पास रहोगी? क्यों हमारे साथ चलो ना, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। दादाजी भी आ रहे हैं, किसी बच्चे के आ रहे हैं, आने वाले हैं, आज आ जाएंगे। नहीं। आएंगे नहीं। चाचू से पूछो, चाचू को पता है आ रहे हैं। ये हैं जी तीका, ये हैं जी जिसके घर हम आए थे। अस्सलाम वालेकुम कर, अस्सलाम वालेकुम साहब को। हाँ जी हम तीका के घर आए हैं, अभी बस ये चेंज करने लगी है। और इधर मेरे साथ बैठा हुआ है जी काशिफ। काशिफ मैंने और काशिफ से हमने बिल्कुल नहीं पूछना कि उसने पिज्जा खाना है कि नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता ही नहीं है। हाँ काशिफ कह रहा है कि मैं खाता रहता हूँ, आप खाए, गरीब लोग। अभी काजू को भी डाल के देते हैं और देखते हैं खाते हैं कि नहीं। ये कह रहा मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बिल्कुल नहीं, अम्मी जी ने मना किया हुआ है। अम्मी जी को मना, उन्होंने इसको मना किया हुआ है कि मैं खा लूंगी तुम ना खा, तुम मोटे ना हो जाना मेरी तरह, मेरी तो शादी होगी है, मेरी उम्र होगी है, तो तुम अभी जवान हो, बच्चे हो। बल्कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो का टाइम यही भी पूरा हो जाए, हो जाएगा। चले अब खाते हैं, फिर आपको आपसे बात करते हैं। ये है जी पिज़्ज़ा, मैंने एक बाइट ले भी लिया, और यहाँ पे किसी का आया पिज़्ज़ा, उसने अभी तक एक बाइट नहीं लिया, जिसने लाहौर जाना है। मैं लाहौर जाना है। और इधर बैठी हुई है बाजी जी, ओए होए होए, आज तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, मेरी फिज़ा कंफ्यूज कर देती है। फिज़ा आई, मुझे घर में मैं खड़ी थी, फिज़ा बाइट से आई है, आगे मुझे कहती है, मुझे कहना था उसने, आगे नुदरत खड़ी है, उसको आगे कहती है मामा फीडर मेरा गर्म हो गया, ओवन में से निकाल लें। जब ऊपर देखा है तो हाला, फिर देखती है मेरी मामा कहाँ गई, वो कंफ्यूज हो गई कि मामा कहाँ है। मैंने कहा था अच्छा बेटा निकाल देती हूँ, तो जब मेरी आवाज सुनी फिर कंफ्यूज हुई है कि मामा की जगह हाला किधर आ गई। तो फिर अभी कपड़े भी दोनों ने एक जैसे पहने हुए, तीका ने भी पहन लिए, तो फिर मेरी फिजा टकरेगी, मारती भी रहेगी। फिजा को समझ नहीं आनी अब मामा कौन सी है, साइज में भी एक जैसी है, एज में भी तकरीबन एक जैसी लगती है,
तो खैर पता चल ही जाएगा उसको जब चक्कर लगेगी। चलें अब खाते हैं। अब ये जी मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और इधर कुछ लोग गरीब लोग तो यार अड़ते हैं, देखे इधर चाय में पिज़्ज़ा डुबो के खा रहे हैं। मज़ेदार। हाँ चाय गोल पिज़्ज़ा डुबो के खाने वाले। चाय में चार्ली मामू अगर केला डुबो के खा सकते हैं तो हम पिज़्ज़ा क्यों नहीं डुबो के खा सकते। चार्ली मामू कौन से, वो कौन से मामू हमारे चार्ली हैं? चार्ली मामू कार्टून ड्रामा सॉरी लगता था, उसमें चार्ली मामू एक करेक्टर थे एनक वाला जिनमें वो जब हम छोटे छोटे थे तो बड़े शौक से देखते थे। वो तो घास भी खाते हैं। घास तो हम भी खाते हैं। फिर तू इनडायरेक्टली मेरी बेगम नु मज बनाना चाहना? नहीं मेरी बेगम ही सेहत ये जी है पर मज नहीं है। वो मुझसे बड़ी है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ज्यादा नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आ रहे हैं। अगले आखा तीन नु समझा सुनावा नो नु वाला साहब है समझाओ ही देती है गल के तुसी मज हो। घास खाते हैं हम क्योंकि हम साग की सूरत में उसको खाते हैं। साग तो सबका फेवरेट है। काशिफ का भी फेवरेट है क्या? कोई नहीं मजा तो लाओ एक चीज का खानी है पर वो तो नहीं कह सकते तेरी इज्जत कर दिया क्यों जी? मुझे तो उसके पराठे बस पसंद है। साग के पराठे? हाँ काशिफ को साग बना जी कैस्ट्रोल बढ़ाता है लेकिन पिज्जा नहीं कैस्ट्रोल बढ़ाता। जैसे फहद चिकन नहीं खाता लेकिन वो पिज्जा में चिकन पिज्जा में शवारमा में बर्गर में वो चिकन खा लेता है और इसके हाथ का बना चिकन खा लेता है। मेरे हाथ का बना हुआ खा लेता है। चलें अब खाते हैं। आपको तो ये क्लिप ऐसे मजाकिया नजर आते ही रहेंगे। अभी मेरे थोड़े सारे दो बाइट रह गए, अभी ये खा लूँ फिर पकौड़ों की बारी है। अभी थोड़े उधर पड़े हैं, उधर ना खत्म कर दे। चलें ठीक है अपने वहां से ले आना फिर उससे जाके खा ही ले जी। तो ये देखें अभी चल रहा है ये कैस्ट्रोल का पीस है मेरा। कैस्ट्रोल सब खा चुके हैं। कैस्ट्रोल के मरीज का तीसरा पीस और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दरिंदगान बहन एक और आ चुकी है। इधर से सिर्फ ये दूसरी बहन है और ये आप सब की बहन है। मैं सबसे बड़ी, अतीका मुझसे छोटी है और नुदरत उससे तीसरे नंबर पे आती है और उसके बाद भाई और जताशा आते हैं। लेकिन बड़ी सबसे अतीका लगती है फिर उसके बाद नहीं जताशा अब सबसे बड़ी लगना शुरू होगी। जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी लगती है। सबसे बड़ी लगना शुरू होगी फिर उसके बाद अतीका बड़ी छोटी लगती है उसके बाद नुदरत लगती है तीसरे नंबर पे पर मैं तो ऑलवेज यंग सबसे छोटी लगती हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अभी चिट्टे बाल निकल रहे हैं, ये धूप में सफेद हुए हैं, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ। वो तो आप जब छोटे से थे जब मेरी शादी हुई थी आपके तब भी सफेद बाल, मैट्रिक में भी वाइट हो गए थे मेरे रेशे की वजह से। ये बुढ़ा बाबा मेरे पापा छड़े सी घर वाले। हाँ जी उन वीडियो में कोई उल्टी जुगत ही मारना चाहता इसलिए इसको माफ करते हैं। बाकी आप समझ ले सेंसर में जो कुछ बातें की होंगी मर्द हज़रात तो दिल की बातें जान ही रहे होंगे तो समझ सकते हैं सारे कि आप शाजी क्या कहना चाह रहे होंगे। वो कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा। आप इनकी दिल की सारी बातें समझ लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। चाय पीने कप मोबाइल ही पा देने और व्यूअर्स नु ऑफर करा रही है। अच्छा व्यूअर्स को ऑफर करा रही है। डोल दे मोबाइल उते मेनू छटा ना बजे बस। तो उसका मोबाइल तो उन्होंने लाके देना खरीदोगे तो दोबारा फिर आपको ही ना। महाराज इधर आओ महाराज इधर आओ महाराज की आंखें दिखाएं जी। महाराज इधर देखो इसको मोबाइल को माशाल्लाह महाराज की आंखें चेक करें जी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आंखें हैं बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह बिल्लियां अखां माशाल्लाह। ये देखें जी भाई हमने निकाल लिया जो खाने पीने की और अब बर्तन देखें कैसे बिखरे पड़े हैं जी। ये देखें जी ये हमारा ने चूजे मंगाए हुए कितने प्यारे चूजे हैं रंग बिरंगी चूजे। ये हमारा आपके हैं? अच्छा ये देखें जी ये इनका सहन है इन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए। ये इधर देखें गर्गले ने लगी हुई इनका चार डलता है। अभी साहब हैं जी अंदर निकले तो फिर चले जी। तो व्यूअर्स अभी हम टीका के घर से निकल आए हैं और ठहर जाओ की आवाज़ आई है पीछे से ठहर जाओ वाले बड़ी फूफो ने आना है उस तरह की कोई आवाज़ आई है। तो अभी बेगम साहब बैठी हैं इधर और पीछे बैठे हुए हैं तीन बंदे ठहर जाओ वाले।
अभी तंग होने वाले हैं। ये एक बंदे ने नकाब भी कर लिया, मुँह छुपा लिया, रितिका बैठी हुई है। ठीक है, मुझे शीशे में भी नजर आ रही है, इधर से नजर आ रही थी, इधर से मैं खुद ही नजर आ रहा हूँ। अभी चलते हैं बेंबर से आगे, एक जगह जाना है, उधर वहाँ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी टाइम हो गया तकरीबन रात का और हम घर वापस आ चुके हैं बेंबर से। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो आज का व्लॉग है वो भी बहुत पसंद आया होगा। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी हम इस वक्त थक चुके हुए हैं क्योंकि अभी अभी पहुँचे हैं हम। सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा था, जाना फिर वहाँ थोड़ी देर रुकना, वहाँ से वापस आ गए अभी हम घर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। उनके घर के जो भी सीन्स थे वो तो नहीं हमने आपके साथ शेयर किए, लेकिन हम जब अतीका के घर गए हैं तो वहाँ की जो भी चीज़ें थी, जो भी हमने एक्टिविटी की, वो आपके साथ शेयर की है। तो काइंडली जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और वीडियो को लाइक भी करें, लाइक भी ज़रूर करें। और जो लोग जो हमारी YouTube फैमिली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, काइंडली बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे आपको ये होगा कि नोटिफिकेशन हमारी हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले मिलेगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं भी